अगर अपनी दिल्ली में चाय की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है एमबीए चाय वाले का, जिसने अपना नाम कमाया है। अब उसी को देख देख कर कई लोगों ने यूपीएससी चाय वाला, कोई इंजीनियर चाय वाला, तो कभी बीटेक चाय वाली, और अब जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो इन सब में से सबसे ही अलग है और चाय बेचने का तरीका ही सबसे अनोखा। तो वीडियो को पूरा इन तक देखना, जबरदस्त मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। और ये चाय पेड़ पे चढ़ के क्यों बेच रहे हैं, आइए इनसे एक बार पता करते हैं। तो हेलो भैया। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो भैया पहले सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है राहुल कुमार। राहुल कुमार जी, तो एक बार बताइए, चाय आपने ये रोड पे खड़े होकर भी बेच सकते थे, आपने ये पेड़ ही क्यों चुन लिया? ये मेरे साथ असल में क्या, मैं बहुत लंबा स्टोरी है मेरा। हाँ जी, मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ पिछले 3-4 साल से। हाँ जी, लेकिन मेंटल इलनेस की वजह से मेरा तैयारी हो नहीं पाया अच्छे से। हाँ, तो अब मेरे घर वाले कह रहे हैं कि अब आप यूपीएससी की तैयारी छोड़ दो, कोई छोटा मोटा जॉब कर लो। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं चाय बेचकर अपने खर्चे निकालूंगा और आईएएस की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करूंगा। तो ये मेरा रीज़न है। तो मैं कुछ दिन, 2 महीना मैंने एक शॉप के सामने लगाया था, तो लेकिन अब वहाँ रेंट ज़्यादा हो मांग रहे हैं वो लोग। ऐसे कितना रेंट हो गया वहाँ का? रेंट है वहाँ पे 6,000 महीने का। 6,000 रुपये महीने का, उतना बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे लिए और इतना मेरे से हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए फिर मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं किसी रोड साइड में लगाता हूँ। हाँ जी, लेकिन रोड साइड में फिर पुलिस वाले और एमसीटी वाले मुझे लगाने नहीं दे रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम वो भी हो रही है। रेंट तो नहीं मांग रहे लेकिन वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मतलब ये इलीगल है और आप रोड के किनारे नहीं लगा सकते। अच्छा, तो इसलिए फिर मुझे लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि लगाऊं तो लगाऊं कहाँ। 10-15 दिन से मैं जगह खोज रहा हूँ कि कहीं मुझे जगह मिल जाए, कहीं जगह नहीं मिला मुझे। मैं 10-15 दिन से जगह खोज रहा था कि मैं करूँ तो करूँ कहाँ, दुकान के सामने लगा रहा हूँ तो रेंट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। हाँ जी, और रोड के किनारे लगा रहा हूँ तो पुलिस वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, तो इसलिए फिर मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग जॉब इसलिए नहीं ट्राई किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर ज़्यादा समय देना पड़ता है, 8 घंटे 10 घंटे देने पड़ते हैं, और यहाँ पर क्या है कि मैं सिर्फ शाम में लगाता हूँ। दिन में मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ आईएएस की, और शाम में चाय बेचता हूँ। और ये भी मुखर्जी नगर है तो यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं वो सब यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, तो हम लोग डिस्कस भी करते हैं चीज़ों को, करंट अफेयर्स जो होता है वो डिस्कस करते हैं, पॉलिटी हिस्ट्री सब डिस्कस करते हैं चाय पे ही। लोगों को देखो अजीब तो लगता ही यार कि पेड़ के ऊपर चाय क्यों बेच रहा है, लेकिन जब लोगों को मेरी स्टोरी पता चलता है कि यार मतलब क्या मजबूरी है, तो फिर वो भी अप्रिशिएट करते हैं यार कि ठीक है ठीक है, अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम मतलब शॉप के सामने लगा सकें। ये मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी लाइफ में कभी शादी नहीं करूँ, क्योंकि मेरा मैं आईएएस की तैयारी भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं सोशल सर्विस कर सकूँ, सामाजिक सेवा कर सकूँ। एमसीडी वालों से बचने के लिए मैंने ये जुगाड़ लगाया, और देखिए एमसीडी के जो अधिकारी थे वो भी हंसते हंसते भी गए। अच्छा, हाँ, तो अभी वीडियो में आ नहीं पाया, और अगर वहाँ भी मुझे अगर वन विभाग वाले हटाते हैं तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे बिग बॉस में एंट्री करवाइए आप लोग। अच्छा, क्योंकि बिग बॉस में जाके हम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ देखो यहाँ पे मेरा 3-4 घंटे चाय बेचने में बर्बाद हो रहे हैं, तो वहाँ मेरा 3-4 घंटा बचेगा, और प्लस वहाँ एसी रूम है तो वहाँ थोड़ा आराम से पढ़ पाएंगे, यहाँ थोड़ा गर्मी ज़्यादा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर मुझे पेड़ से हटाते हैं तो मुझे बिग बॉस में एंट्री दीजिए आप लोग। मेरे घर में मम्मी पापा और भाई बहन। तो मतलब ये चाय बेचने का कौन सा चालू रखोगे या फिर बंद कर दोगे इसको? नहीं, अभी जब तक तैयारी चल रही तब तक चाय बेचूंगा मैं।